नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम जनवाणी में। कार्यक्रम जनवाणी के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आम जनमानस की जो समस्याओं को उजागर करें और विषय विशेषज्ञों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान ढूंढें। तो आज कार्यक्रम जनवाणी का हमारा विषय है सामान्य भविष्य जन निधि व पेंशन धारकों की समस्याएँ और उनका समाधान। इस विषय संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में आज खास मेहमान मौजूद हैं। ये हैं श्री विजय कुमार जी, स्वागत है सर आपका। ये एजी ऑफिस शिमला में बतौर वरिष्ठ लेखा अधिकारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ श्री मदन लाल जी, ये भी एजी ऑफिस शिमला में बतौर वरिष्ठ लेखा अधिकारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर स्वागत है आप दोनों का। और दर्शकों, आपको बता दें कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव फ़ोन इन के माध्यम से। हमारे फ़ोन नंबर्स रहते हैं 2800177 और 2800178। हमारा एसटीडी कोड रहता है 0177। अगर आप शिमला के बाहर से हमें कॉल कर रहे हैं तो हमारा एसटीडी कोड ज़रूर लगाएं। तो बात करते हैं आज के विषय की, जीपीएफ यानी सामान्य भविष्य निधि। तो सर आपसे जानना चाहेंगे ये क्या है और कौन इसके पात्र होते हैं। सामान्य भविष्य निधि जो सरकारी एम्प्लॉयज़ है उनके लिए बचत योजना के तहत बनाया गया है। यह रूल्स 1960 में आए हैं, तो उसके बाद हिमाचल गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट किया है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ सरकारी एम्प्लॉयज़ है हिमाचल सरकार के, वो जीपीएफ कटाते हैं। जो 15/5/2003 से पहले के, उन्हें जीपीएफ कटवाना अनिवार्य होता है। जीपीएफ में सब्सक्रिप्शन जो है 6% मिनिमम होने चाहिए। उनका जो पे प्लस डीए आता है उसकी 6%, ठीक है ना, और मैक्सिमम वो अपना पे प्लस डीए, बेसिक पे प्लस डीए कटवा सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने तो अभी एक निकाला है कि 5 लाख से ज़्यादा आप पूरे साल में जीपीएफ नहीं कटवा सकते। लेकिन अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने उसे अडॉप्ट नहीं किया है, तो जब वो अडॉप्ट करेंगे तो 5 लाख की सीलिंग हो जाएगी साल। जी, आपसे जानना चाहेंगे सर कि हम बात कर रहे हैं पेंशन धारकों की भी यहाँ पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पेंशन क्या है और कौन पेंशन के जो भोगी होते हैं वो कौन है। ये सरकारी जो भी कर्मचारी 15 मई 2003 से पहले जो सरकारी सेवा में है वो पेंशन के हकदार हैं। जी। तो उसके बाद जो जिन कर्मचारियों ने कार्यालय में कार्य ग्रहण किया है वो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं, उसमें अंदर आते हैं। लेकिन पेंशन, हम लोग पेंशन जो 10/5/2003 से पहले जिन लोगों ने कार्यालय ज्वाइन किया है उसको हमने पेंशन के लिए उनके हम काम करते हैं उसके लिए। जी, ये तो आपने कहा पेंशन धारकों के बारे में। तो सर आपसे जानना चाहेंगे जो जीपीएफ रहता है इसमें नॉमिनेशन या सब्सक्रिप्शन कितना ज़रूरी रहता है और ये क्या है। देखिए, नॉमिनेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जीपीएफ में नॉमिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब भी जॉब नॉमिनेशन जीपीएफ का हम नंबर लगाते हैं एजी ऑफिस में तो नॉमिनेशन साथ आती है। नॉमिनेशन का एक फ़ायदा है कि अगर कभी कर्मचारी को कोई अस्वभाव की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पैसा है वो किसको मिलेगा। जी। तो अगर नॉमिनेशन होगी उसकी तो उसको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर नॉमिनेशन नहीं वैलिड है, सपोज किसी कर्मचारी ने शादी से पहले अपनी नॉमिनेशन भरी थी लेकिन उसके बाद उसकी शादी हो गई लेकिन नॉमिनेशन नहीं चेंज की उसने, जी, तो अगर उसका अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो पैसा किसको मिलेगा। तो नॉमिनेशन तो उनके मदर या फादर के नाम थी लेकिन अब उन्होंने शादी भी कर लिया तो वो नॉमिनेशन इनवैलिड हो गई है। तो उसमें जीपीएफ रूल 1960 के अंतर्गत जो फैमिली की डेफिनेशन दी गई, जो परिवार की डेफिनेशन दी गई है, उनमें सब में इक्वल रूप से वो पैसा बांटा जाता है। जी, यानी जो नॉमिनेशन है वो बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जैसे आपने कहा कि विवाह के बाद पत्नी के लिए भी उसमें नॉमिनेशन कर सकते हैं। जी। अगर किसी व्यक्ति की सेकंड मैरिज होती है जी। तो क्या वो नॉमिनेशन दोबारा करवानी जरूरी है? सेकंड मैरिज या पहली पत्नी की के निधन के बाद इस तरह से कोई तो उसको कोई भी सरकारी कर्मचारी जो जीपीएफ के स्कीम के अंडर आता है कभी भी अपनी नॉमिनेशन को चेंज कर सकता है। वो अपने विभाग को नॉमिनेशन देगा, वो हमारे एजी ऑफिस को फॉरवर्ड करेंगे और हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो वो कर सकता है। जी, अब बात करते हैं पेंशन की। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो पेंशन है इसमें जो पेंशन के लिए अप्लाई करने की बात की जाती है तो ये रिटायरमेंट से कितने समय पहले इसको अप्लाई करना ज़रूरी है।
बिल्कुल, जब भी सुपरनोमिनेशन होती है, मतलब सेवानिवृत्ति जब होती है, तो कम से कम 6 महीने पहले इसका प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। वो अपने जो भी कर्मचारी अपने फॉर्म जो भर के अपने DDO जिस कार्यालय में वो काम कर रहा है वो उसको प्रस्तुत करे, और वो कार्यालय हमारे कार्यालय को पेंशन के लिए 6 महीने पहले भेजेगा। ये मतलब नियम है कि वो ताकि उसको रिटायरमेंट के दिन उसको PPO जो है पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है उसको दिया मिल सके जी, ताकि उसमें कोई विलम्ब ना हो देने जी, यानी 6 महीने पहले तक पहले। जी, और किस तरह की फॉर्मेलिटीज़ इसमें रहती हैं कि जिससे बाद में जो कर्मचारी है उसको परेशानियों का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल, इसे महत्वपूर्ण ये बहुत प्रश्न है, बहुत सारे लोगों को बाद में बहुत परेशानियाँ रहती है। इसमें मेन चीज़ है एक फैमिली Form 3 जिसमें फैमिली का डिटेल्स पूरी होती है। बहुत सारी फॉर्म में कई बार वो कंप्लीट डिटेल नहीं भरते हैं, तो अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है पेंशनर के साथ तो उसके बाद पेंशन लगाने के लिए बहुत समस्याएं उनको आती हैं। तो जो भी आपकी कंप्लीट फैमिली है, फैमिली डेफिनेशन में जो भी आता है, वो Form 3 में भर के हमारे को DDO के माध्यम से ज़रूर भेजिए उसको, और सभी को उसमें उस फॉर्म में जो भी है वो इंक्लूड करें, उसमें सारा सम्मिलित करें उसमें जी। तो यानी समय से पहले आपको समय रहते अपने फॉर्म को प्रॉपर चेक करना चाहिए और ऑफिस में जाके उसको उसका निपटारा करना चाहिए, दिखाना चाहिए। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे सर ने कहा कि कोई समस्या ना उत्पन्न हो, तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जब पेंशन की बात की जा रही है, तो अगर व्यक्ति का आकस्मिक निधन हो जाए तो उस स्थिति में कौन पेंशन के हकदार होते हैं? पेंशन के हकदार उनके परिवार के सदस्य होते हैं। सबसे पहले तो पत्नी का हक होता है, हस्बैंड या स्पॉस में हस्बैंड वाइफ का होता है, उसके बाद उसके बच्चे हैं तो 25 ईयर्स तक होते हैं, उसके बाद आजकल क्या न्यू जो आया है उसमें विडो डॉटर भी उसके लिए पेंशन के एलिजिबल हो जाती है, अनमैरिड डॉटर भी पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाती है, उनके पेरेंट्स भी अगर वो डिपेंडेंट है, है ना, उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, कुछ मतलब क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करने के बाद उनको पेंशन लगाई जा सकती है, यानी फैमिली पेंशन जो है वो मिलना शुरू हो जाती जी, है जी, जी, जी। उसके लिए नॉमिनेशन जो फिल करना है, नॉमिनेशन जो है उसमें ग्रेजुटी के लिए होता है, जो कर्मचारी की मृत्यु से पहले वो उसने भरी होती ग्रेजुटी, तो उसके लिए होता है जी। यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे अगर किसी व्यक्ति के 2 या 3 बच्चे रहते हैं, तो अगर स्पाउस नहीं है तो उस स्थिति में किसे जो है वो पेंशन दी जाएगी? सबसे पहले बड़ा बच्चा 25 ईयर तक, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है ना, उसके बाद सेकंड नंबर, फिर उसके बाद आएगा कि अनमैरिड डॉटर या कोई हैंडीकैप्ड बच्चा है उसके लिए जी, यानी दिव्यांग बच्चे के लिए, दिव्यांग बच्चे के लिए भी है। 25 वर्ष तक सभी को अपनी टर्म पे पेंशन मिलेगी, पारिवारिक पेंशन मिलेगी, और जैसे ही मतलब 25 को सारे क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद फिर दिव्यांग अगर कोई बच्चा है उसको लगेगी फुल लाइफ के लिए, और विडो डॉटर अगर कोई है या अनमैरिड डॉटर है उनकी बारी आएगी सीनियरिटी के हिसाब से जी। जैसे आपने कहा विडो डॉटर है, तो हम देखते हैं कि अभी केस जो है वो चला ही है कोर्ट में, उस बेटी का या उस गर्ल का जो केस है वो चला है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी जब वो उनको पूर्णतः डाइवोर्स नहीं मिला है तो तब भी क्या वो इसके हकदार रहेंगी? बिल्कुल, इसमें प्रोविज़न ये है कि विडो जो है या डाइवोर्स है जी, पेरेंट्स के रहते हुए होना चाहिए, यानी कि मदर या फादर दोनों में से एक लाइव होना चाहिए, और अगर उस पीरियड में कोर्ट में केस फाइल हो जाता है डाइवोर्स का तो वो वैलिड माना जाएगा। अगर कोर्ट डाइवोर्स का केस जो है वो पेरेंट्स की डेथ के बाद फाइल होता है तो नियमानुसार वो पात्र नहीं है उस चीज़ के लिए, पेंशन के लिए। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे सर ने कहा कि वो ड्यूरिंग केस वो पात्र होंगे अगर उनके माता पिता के सामने ये जो केस है ये पिटीशन किया गया होगा, तो यहाँ पे बात आती है अगर जो बेटी है वो ऑलरेडी कहीं पे कार्यरत हैं, तो ऐसी स्थिति में कितनी धनराशि या क्या वो उसकी योग्य होंगी पेंशन की, या एक आय का जो निर्धारण है वो भी इसमें मायने रखता है? आय का निर्धारण बहुत ज़रूरी है पेंशन में, और उसमें जब भी ये मतलब विडो डॉटर अनमैरिड डॉटर, तो इनकम क्राइटेरिया जरूर देखा जाता है। वो इनकम क्राइटेरिया जैसे आजकल है 9000 मिनिमम पेंशन है प्लस डीए, मिनिमम पेंशन प्लस डीए, प्लस डीए उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो ही पेंशन के हकदार होंगे जी। और जब भी इनको पेंशन लगेगी तो ये देखा जाएगा कि वो उनके लाइफ टाइम में उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, तभी पेंशन लगेगी उनको जी।
अब बात की जाती है की जाए अगर जीपीएफ की, तो सर एक बात आती है कि जीपीएफ रिटेंशन पॉलिसी, ये क्या है सर? जीपीएफ रिटेंशन पॉलिसी हिमाचल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही मतलब एम्प्लॉयज़ को एक फ़ायदा देने के लिए दे के या उनको बचत भावना को आगे बढ़ाने के लिए एक नियम बनाया है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो अपना जीपीएफ एजी ऑफिस में रख सकते हैं जी, ठीक है ना। उसमें क्या बोलते हैं, वो टाइम टू टाइम विड्रॉल निकाल सकते हैं और उनको जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होगा जीपीएफ पे वो दिया जाएगा। और जब भी वो अपना पार्ट पेमेंट निकालना चाहे पार्ट पेमेंट निकाल सकते हैं, जैसे एम्प्लाइज निकालते हैं, सर्विंग एम्प्लाई निकालते हैं, और अगर वो फुल पेमेंट निकाल लेते हैं जब भी वो फुल पेमेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उनका प्रकरण उनका केस डिपार्टमेंट से एजी ऑफिस में आना चाहिए। जी सर, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई कर्मचारी अगर अपने किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए जैसे घर बनाना हो, इस तरह के कोई कार्य रहते हैं, उसके लिए क्या वो अपने जीपीएफ अकाउंट से जो फंड है वो निकाल सकते हैं? जी हाँ, बहुत से जीपीएफ रूल 1960 के अंतर्गत काफ़ी प्रोविजन दिए हुए जिनके अंतर्गत वो अपना जीपीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं और 90% तक अपने जीपीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हाउस बनाना है, मकान बनाने के लिए, शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए, तो वो ले सकता है। जी, क्या उसकी कोई एक अवधि रहती है कि इतनी अवधि में जो है, या फिर कोई समय सीमा रहती है? नहीं, ऐसा कोई अवधि नहीं है, लेकिन उसके खाते में बैलेंस होना चाहिए और पर्पस अलग होना चाहिए और डीडीओ इंश्योर करेगा कि भाई वो जो है उसी पर्पस के लिए एडवांस ले रहा है। तो एक व्यक्ति जो कर्मचारी है वो कितने बार जो जीपीएफ से इस तरह से फंड रेज कर सकता है? इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है, लेकिन वो फंड उसके पास कितना है, उसका जीपीएफ में कितना बैलेंस है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जी सर, जैसे सर ने कहा कि जो फंड है वो ले सकते हैं, तो क्या आफ्टर रिटायरमेंट भी ये जो जीपीएफ अकाउंट है ये एज इट इज़ कंटिन्यू रहता है या फिर क्लोज हो जाता है? नहीं, रिटेंशन अगर रिटेन किया है तो वही कंटिन्यू रहेगा। अगर कोई फाइनल पेमेंट अपना ले लेता है तो उसके बाद वो क्लोज हो जाता है, लेकिन अगर वो रिटेन करता है तो सेम उसी तरह उसको ट्रीट किया जाता है जैसे एक सर्विंग कर्मचारी है, जैसे एक सेवा में कर्मचारी जैसे रहता है, वही उस ट्रीटमेंट उनके साथ होता है, तो वही प्रोसेस रहता है। अगर विड्रॉल लेना है कुछ भी उसने करना तो सर डीडीओ के माध्यम से होगा। जी सर, अब अगर बात की जाए प्री 16 जो पेंशन जो पॉलिसी थी रिवीजन की बात की जाए, तो इसके अंतर्गत क्या जो आजकल किया जा रहा है सरकार के द्वारा? देखिए, अभी पिछले साल 25 फरवरी जो 2022 को रिवीजन की पेंशन रिवीजन की नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश सरकार ने की, तो उसके एक एक 16 के बाद जो रिवीजन का कार्य है वो अभी चला हुआ है सारा, लेकिन अब 8 सितंबर जो है 2022 को प्री 16 जो एम्प्लॉइज थे जो पहले रिटायर हो चुके थे या एक्सपायर हो चुके थे फैमिली पेंशन और पेंशन के लिए, उनका भी रिवीजन का कार्य शुरू हो चुका है और हमारे कार्यालय में केस इसके रिवीजन के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां जो है उसमें नज़र अभी आ रही है हमारे पास कि लोग सिंपल एक एप्लीकेशन लगा के हमारे को कार्यालय को भेज रहे हैं या एक एसोसिएशन के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों ने अपने इस कार्यालय को अपना पेंशन केस भेजते हैं जो कि गलत है, जबकि वो नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि जो विभाग अध्यक्ष है जहाँ पे कार्यरत था कर्मचारी वो सो मोटो अपने एक्शन लेके जो उनके अंतर्गत जो कर्मचारी सेवानिवृत्त है उनका केस कैलकुलेशन के साथ अगर वो उसके लिए इंक्रीज के लिए पात्र है, अगर उनको फायदा होता है तो हमारे कार्यालय को वो भेजेंगे रिवीजन के लिए उसके जी। लिए सर आपसे जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि कई बार जो कर्मचारी है उसकी अचानक से जो पेंशन है वो रुक जाती है, तो इसके क्या कारण रहते हैं? एक्चुअली अचानक पेंशन रुकने का सबसे बड़ा कारण तो रहता है कि उसने टीओ में डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस में अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भेजा होगा जो कि रिक्वायर्ड है, एक साल में एक बार जरूर लाइफ सर्टिफिकेट टीओ को देना पड़ता है ताकि वो इंश्योर कर ले कि भाई लाइव जो पेंशनर है वो लाइव है। जी तो सबसे बड़ा कारण तो यही रहता है, बाकी और कोई ऐसा कारण नहीं रहता कि जिससे पेंशन रुक जाएगी। तो अगर बात की जाए फैमिली पेंशन में इस तरह की समस्या है तो उसमें क्या कारण रहते हैं? फैमिली पेंशन में भी सेम है, उसको उनको भी लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो फैमिली पेंशन है उनको भी लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपना, और बाकी ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है कि भाई पेंशन रुक जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ सर्टिफिकेट के साथ ही में ही रुकती है। जी अगर हम अक्सर देखते हैं कि जीपीएफ में अगर हम बात करें तो क्या क्या शर्तें हैं वो एक कर्मचारी को जानना ज़रूरी है?
जीपीएफ में सबसे बड़ी है कि भाई उसको मिनिमम और मैक्सिमम जो सब्सक्रिप्शन है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर दो, वो साल में दो बार अपनी सब्सक्रिप्शन को बढ़ा सकता है और एक साल एक बार उसको घटा सकता है जी। ठीक है, तो वो ये उसके लिए ज़रूरी है जी। अगर हम बात करें जीपीएफ की, तो क्या इसमें कोई निश्चित जो अमाउंट है वो फिक्स किया गया है कि इतना ही अमाउंट जो है कर्मचारी इसमें डिपॉजिट कर सकता है, या फिर किसी और इस किसी अन्य सीमा पे भी इससे अधिक भी जो है वो अमाउंट जो है डिपॉजिट कर सकता नहीं, है? रूल के जीपीएफ रूल 1960 के अंदर 6% मिनिमम जी और मैक्सिमम जो बेसिक पे है प्लस डीए, हिमाचल सरकार में प्लस डीए जी। सर आपसे जानना चाहेंगे ड्यूल पेंशन के बारे में, ये क्या है और किस तरह से इसमें पेंशन्स की जो है वो प्रदान की जाती हैं? ड्यूल पेंशन सिर्फ जो आर्मी में हमारे लोग जिन्होंने सर्व किया है, सेना में जिन्होंने कार्य किया है, एक पेंशन उनको वहाँ से लगती है, और उसके बाद अगर वो रीएम्प्लॉय हुए हिमाचल प्रदेश सरकार में या सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पे भी हुए, हमारे केस में हिमाचल में अगर उन्होंने रीएम्प्लॉयमेंट लिया है तो यहाँ से भी उनको पेंशन मिलती है और आर्मी से भी उनको पेंशन मिलती है, तो डुअल पेंशन उनको मिलती है, और फैमिली पेंशन भी चाहे तो वो दोनों साइड से ले सकते हैं, कोई पास ऑप्शन है जी। सर जैसे हम देखते हैं कि कभी व्यक्ति नॉमिनेशन भरना भूल जाता है, तो क्या उसके बाद भी वो नॉमिनेशन दोबारा फिल कर सकता है? नॉमिनेशन कभी भी फिल की जा सकती है, जीपीएफ नॉमिनेशन कभी भी फिल की जा सकती है, और अपने विभाग के द्वारा, अपने डीडीओ के द्वारा एजी ऑफिस को भेज सकता है और उसको रिवाइज कर सकता है जी। अब बात करते हैं कि जैसे जो बच्चे हैं कर्मचारी के निधन के बाद अगर देखा जाए तो जो बच्चे हैं, अगर किसी परिवार में एक जो डॉटर है उसको अगर पेंशन, उसको पेंशन देने की बात की जाए, तो उसके लिए क्या जो महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो फैमिली की ओर से किए जाने चाहिए? देखिए अगर जैसे डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें, तो अनमैरिड डॉटर है जी, तो उसका अनमैरिड सर्टिफिकेट आएगा, इनकम सर्टिफिकेट आएगा जी, और उसके डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर आएंगे साथ में, जो कि सचिव ग्राम पंचायत से वेरीफाई किया हुआ हो वो आएंगे, क्योंकि उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि कर्मचारी के परिवार में कोई अपंग व्यक्ति तो नहीं है जी, क्योंकि अपंग व्यक्ति को सबसे पहले पेंशन लगेगी, यानी प्रायोरिटी पे रखा, प्रायोरिटी पे रखा 25 वर्ष के बाद जो एक सिस्टम है कि 25 वर्ष के बाद जो अगर सबसे छोटी लड़की या लड़का 25 वर्ष का हो गया और तो उसके बाद जो पेंशन लगेगी वो अपंग को पहले लगेगी, परिवार में जो अपंग होगा, तो इसके लिए उस उनको ये भी अपना भेजना, एक सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा कि हमारे परिवार में कोई अपंग नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है, और डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट होता है कि डिपेंड थे उनके, इनकम सर्टिफिकेट उसी को आप कर सकते हैं, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, बिना इनकम सर्टिफिकेट के पेंशन नहीं लगेगी। अगर किसी लड़की की इनकम मतलब मिनिमम 9000 प्लस डीए से ज़्यादा है तो पेंशन के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि उनकी पहले ही उससे ज़्यादा इनकम है जी। तो ऐसी स्थिति में किस व्यक्ति को, किस बच्चे को परिवार में जो है पेंशन दी जाएगी, अगर वो दो या तीन है तो? दूसरा सेकंड बच्चा देखा जाएगा कि वो अनमैरिड है, अनमैरिड डॉटर है और उसकी इनकम कम है, ठीक है ना, विडो डॉटर है इनको। और जैसे आपने बात की दिव्यांग बच्चे को भी जो है पेंशन दी जाएगी, तो उस बच्चे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है? उसके लिए दिव्यांग बच्चे के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहले तो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होना चाहिए डॉक्टर से, बोर्ड से और उसमें ये मेंशन किया होना चाहिए कि ये आजीविका कमाने के लायक नहीं है जी। तो ये सबसे ज़रूरी है उसमें। और अगर बच्चा क्या बोलते अपने आप पेंशन नहीं ले पाता, ले सकता है, वो मेंटली रिटार्टेड है या, तो उसके लिए उसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट आएगा किसके थ्रू, गार्डियन सर्टिफिकेट आएगा कि किसके थ्रू वो पेंशन लेगा जी। सर आपसे जानना चाहेंगे जैसे कार्यालय में आप देखते होंगे आपके पास बहुत सारी समस्याएं उजागर होती होगी हर दिन, तो किस तरह की समस्याएं जो हैं आज जो पेंशन धारक हैं वो दो चार हो रहे हैं, या फिर कैसे उनका निपटारा किया जा रहा है कार्यालय के माध्यम से? सबसे हमारे कार्यालय में जैसे एक महीने के अंदर जो है वो केस कर दिया जाता है, बशर्ते कि उसके साथ पूरे डॉक्यूमेंट हो। मेन प्रॉब्लम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की आती है, कई बार जो मतलब आधा अधूरा केस जो है वहाँ से विभाग से हमारे पास आ जाता है, तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो कम्प्लीट नहीं होते। हम बार बार उनको ये कहते हैं कि आप एक बार पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है, एक डीडीओ को, हर डीडीओ को पता है कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो अगर कम्प्लीट होके आते हैं तो हमारे ऑफिस में ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो डिले हो।
देरी हो उसमें, लेकिन मेन वजह वही होती है कि अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे तो फिर पेंशन लगने में उतना विलम्ब हो जाता है फिर उसमें। जी, यहाँ पे हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज जो हमारा कार्यक्रम जनवाणी है ये लाइव फ़ोन इन है और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हमारे विषय विशेषज्ञों से आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स रहते हैं 2800-0177 और 2800-0178, हमारा एसटीडी कोड नंबर रहता है 0177। अगर आप शिमला के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो हमारा एसटीडी कोड नंबर ज़रूर लगाएँ। तो सर, जैसे हमारा विषय ही है जीपीएफ और पेंशन धारकों की समस्याएं और उनका समाधान, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जीपीएफ से रिगार्डिंग आपके कार्यालय में किस तरह की समस्याएं जो हैं वो उजागर होती है। जीपीएफ से रिलेटेड बहुत सी समस्याएं हैं जो मैं आपको आज बताना चाहूँगा। रिटेंशन केस के बारे में सबसे पहले, जीपीएफ का रिटेंशन केस डीडीओ को 6 महीने के अंदर, जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहा है 6 महीने के अंदर उसको परमिशन देनी है, एक ऑफिस ऑर्डर निकाल के उसको परमिशन देनी है कि उसको रिटेन करने की हमने परमिशन दे दी है और वो एजी ऑफिस को भेजना होता है। लेकिन देखा ये गया है कि भई उस पे कर्मचारी ने तो अपनी एप्लीकेशन दे दी कि मैंने जीपीएफ रिटेन कराना है, लेकिन विभाग उस पे कोई भी कार्रवाई करता, विभाग को लगता है कि भई वो तो ऑटोमेटिकली हो गया, स्वतः हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें एक ऑफिस ऑर्डर, एक परमिशन भेजनी पड़ेगी एजी ऑफिस को कि हमने इसको, इस कर्मचारी को ने जीपीएफ रिटेन करना है और इसका जीपीएफ रिटेन किया जाए और हमने इसको परमिशन दे दिया, तो एजी ऑफिस उसमें फिर एक लेटर निकालता है कि इतना पैसा इसका जीपीएफ में रिटेन कर दिया गया। और दूसरा ये है कि भाई नॉमिनेशन जो है प्रॉपर नहीं होती, लोग ध्यान नहीं देते। एक बार जब सर्विस में आए और नॉमिनेशन भर दी, उसके बाद वो ध्यान नहीं देते, उनका फैमिली का साइज बढ़ जाता है, उनकी शादी हो जाती, बच्चे होते, नॉमिनेशन नहीं भरी जाती, आकस्मिक मृत्यु पे, कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु पे उसको पैसा देने में बड़ी दिक्कत आती है। जी, तो ये जो मेन प्रॉब्लम है, फाइनल पेमेंट का केस, जब अंतिम भुगतान के लिए फाइनल पेमेंट का केस वो भेजते हैं तो उसमें कई बार देखा गया है कि वो जो उनको क्या विड्रॉल दी है, क्या एडवांसेस दिए, उसको मेंशन नहीं किया होता उन्होंने, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। जी, यानी कभी अगर व्यक्ति कर्मचारी जो है अपना नॉमिनेशन फाइल करना भूल गया है, क्या कभी ऐसी समस्याएं आती है, और अगर आ जाए तो किस तरह से उसका निपटारा किया जाता है? देखिए, अगर नॉमिनेशन नहीं भरी है और कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जो पुरानी नॉमिनेशन हो इनवैलिड हो जाती है, तो फिर जीपीएफ रूल्स 1960 के अंतर्गत, 2C के अंतर्गत जो फैमिली की डेफिनेशन दी गई है उसके इक्वली हम उसको इक्वली पैसा डिवाइड कर देते हैं। उसमें ये नहीं होता फिर मिसिज आके उनकी पत्नी आके बोले कि नहीं मैं तो उनकी पत्नी थी, मुझे पूरा पैसा दिया जाए, ऐसा नहीं होता। यानी पूरी फैमिली में फिर वो पैसा बढ़ जाता है। जी सर, देखते हैं कि जब कई बार जो है फैमिली या फिर जो कर्मचारी है किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहे जीपीएफ या फिर पेंशन से रिगार्डिंग, तो वो कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं? ये हमारा एक स्पेशल रिवीजन के बारे में, फैमिली पेंशन या पेंशन के रिवीजन के बारे में एक स्पेशल नंबर है, वो उसका नंबर है 2600-0474 और शिमला का कोड है 0177। तो उस पर वो जानकारी प्राप्त कर सकता है वहाँ पे। बाकी दूसरे सीनियर वरिष्ठ लेखाधिकारी, उनके नंबर भी वेबसाइट पे दिए गए हैं, तो उनसे भी वो संपर्क कर सकते हैं। जी सर, हम देखते हैं कि जो पेंशन की जो समस्या है, जो फैमिली पेंशन की अगर हम बात करें तो उसमें देखा जाता है कि कई बार जानकारी ना होने के कारण भी जो है फैमिली जो है इससे कुछ जो उन्हें समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, तो क्या विभाग की ओर से कोई जो कर्मचारी है उनके घर तक जाकर भी उनकी समस्याओं को का समाधान उन्हें प्रदान करते हैं? विभाग की ओर से वैसे जब भी कोई आकस्मिक मृत्यु होती है तो विभाग की एक जिम्मेवारी बनती है, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे एक जिम्मेवारी बनती है कि वो उसके परिवार के सदस्यों से कॉन्टैक्ट करें और उसको पूरा गाइड करके उनके पेंशन पेपर भरवाएं, और काफ़ी केसों में वो करते भी हैं ऐसा, क्योंकि बहुत से ऑफिस में कल्याण अनुभाग है, वहाँ पर वेलफेयर असिस्टेंट है उनके, तो वो लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हिमाचल का ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो डाइवर्स हैं, रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं, तो ऐसे में जानकारी या फिर कह सकते हैं कि समय पर जो है वो जो सुविधाएं हैं उनको नहीं मिल पाती हैं, या अभाव के कारण, किसी भी अभाव के कारण वो जो है वो पेंशन का जो आप कह रहे हैं कि उसके लिए जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो समय पर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में भी क्या उन्हें समय समय पर किसी मैसेज के थ्रू अवगत करवाया जाता है? बिल्कुल जी, हमारा ये कार्यक्रम उसी का एक कड़ी है जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, कि ताकि सभी लोगों को इसमें, बाकी
जो जो उसके जो परिवार के मेंबर है उनको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा अपने हक के बारे में, कि वो जाके अपने जहाँ भी उनके परिवार का सदस्य कार्यरत था वहाँ जाके वो कॉन्टैक्ट करें उनसे कि हमारे को क्या फॉर्मेलिटी करनी है, क्या फॉर्म बने, जितना जल्दी वो उस कार्य को करेंगे उतना जल्दी उनको लाभ मिलेगा। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप दर्शकों को किस तरह के जो पेंशन संबंधी या फिर जीपीएफ से संबंधित क्या निर्देश देना चाहेंगे कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये ज़रूरी हैं और आप इसे समय पर ज़रूर करते रहें। पेंशन के मामले में जो भी पेंशन में लाइव केस में और डेथ केस में फॉर्म लगते हैं वो प्रॉपर भरे हों, समय पर भरे हो, 6 महीने पहले उनका केस आ जाए। जीपीएफ में नॉमिनेशन उन्होंने टाइम पर भरी हो और ताकि कोई आकस्मिक मृत्यु के बाद कोई उनको कठिनाई ना आए, तो रिटेंशन केस का जो ऑफिस ऑर्डर है वो टाइम से निकाला विद इन 6 मंथ उनको एजी ऑफिस को भेज देना चाहिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि रिटेंशन केस में काफ़ी ज़्यादा ये कि लोग ये मान लेते हैं कि हमने हमारा केस मैंने विड्रॉ नहीं किया इसलिए रिटेन हो गया, जबकि सरकार का ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट निर्देश है कि अगर कोई 6 महीने के अंदर अप्लाई नहीं करता जी और तो उसके बाद वो इंटरेस्ट का उसके लिए हकदार नहीं होगा जी। पहले उसको अप्लाई करना पड़ेगा रिटायरमेंट के 6 महीने के अंदर और कार्यालय को कार्यालय आदेश निकालना पड़ेगा तो ही केस रिटेन माना जाएगा। बहुत सारे केसेस में लोगों को नुकसान भी हुआ है कि वो 2 साल या 3 साल बाद उन्होंने अप्लाई किया कि मैंने विड्रॉल नहीं किया, मेरा रिटेन हो गया, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया गया क्योंकि उसने वो रिटेन करवाया ही नहीं था केस। तो ये बहुत कन्फ्यूजन लोगों में कई बार एक बहुत सारे लोगों में हो जाता है कि मैंने विड्रॉ नहीं किया तो मेरा रिटेन हो गया, तो ये ऑटो रिटेन नहीं होगा जी। इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरा केस जो है रिटेन किया जाए और कार्यालय जो है कार्यालय आदेश निकालेगा तो ही रिटेन होगा ये। जी इसी तरह से जब हम फैमिली पेंशन की बात करते हैं तो फैमिली पेंशन धारकों को किस तरह की जो निर्देश हैं या फिर किस तरह की जो जानकारी है उनको होना ज़रूरी है? बिल्कुल, ये कर्मचारी का भी एक दायित्व बनता है कि वो अपने परिवार को पूरी मतलब नियमों से अवगत करा के रखे कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके लिए ये से लाभ के आप पात्र होंगे और आपको ये करना चाहिए। सबसे पहले जिम्मेवारी तो उन्हीं की है जी। क्योंकि भविष्य किसने नहीं देखा है जी। तो अगर कोई काम के लिए परिवार का मेंबर सारा जो है उसके लिए पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ है और कब करनी है कैसे करना है, तो वो है। और सबसे बेस्ट माध्यम है कि जब भी कोई ऐसी अचानक कोई ऐसी घटना हो जाती है तो सबसे पहले कार्यालय में जाके संपर्क करें कि हमें क्या क्या करना है और हमें क्या लाभ मिलने वाले, तो कार्यालय जो है उनका दायित्व है कि वो उस चीज़ के लिए वो उनको पूरा गाइड करे। अगर नहीं है तो हमारे कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं जी। तो क्या परिवार के सभी सदस्यों को कार्यालय में जाकर मिलना होता है या फिर विभाग में जाकर मिलना होता है या फिर किसी परिवार से किसी एक सदस्य को जाकर वहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन देनी होती किसी है? एक सदस्य, सभी के जाने की जरूरत नहीं है, जो भी कॉम्पिटेंट है जो जा सकता है जो थोड़ा समझ रखता है, कई बार दूर से आना जाने में प्रॉब्लम होती है तो पूरे परिवार को जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे जी। मतलब सिर्फ एक नॉलेज या उनका कोई नोन है जानने वाला कोई उनका, उसके माध्यम से भी वो पता करवा सकते हैं कि उनके लिए क्या क्या जी। क्योंकि जब हम देखते हैं स्पाउस अगर दोनों नहीं हैं तो ऐसे में और बच्चों की आयु भी छोटी है तो मुश्किल रहता है, तो यानी वो संबंधित जो व्यक्ति हैं वो उनके परिवार वाले हैं वो विभाग पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज कार्यक्रम जनवाणी में बस इतना ही दर्शकों, और हमारे यहाँ पर विशेष मेहमान जो उपस्थित हैं आप दोनों का भी धन्यवाद। आशा करते हैं आज आप जानकारी पाकर लाभान्वित होंगे। आज कार्यक्रम जनवाणी में बस इतना ही, नमस्कार।